बचपन से ही ना मुझे डॉल्स के साथ खेलना बहुत ज्यादा पसंद था, और बचपन से ही मेरे पास ढेर सारे डॉल्स के कलेक्शन थे, बारबी थे बहुत सारे। उस टाइम में बहुत ज्यादा लोग डॉल्स के साथ खेला करते थे, आज के टाइम पे भी खेलते हैं, बट मैं बहुत ज्यादा शौकीन थी। और मैं डॉल्स के मेरे खुद के कलेक्शन थे, उनके उनके अलग अलग ड्रेसेस मैं खुद बनाती थी, कुछ स्टिच करती थी, उनको ड्रेप करती थी, साड़ी हो या कोई वेस्टर्न वियर हो, समटाइम मैं प्लास्टिक्स का भी यूज करती थी। तो उस टाइम बहुत बहुत मजा आता था कि यार किसी डमी को किसी को ड्रेस पहनाना, वो बहुत ही अच्छा टाइम था। और मुझे उस टाइम बिल्कुल भी नहीं पता था कि बड़े होकर मुझे सच में इस टाइप के फील्ड में आना पड़ेगा, या सच में ये मेरा शौक है, या ये मेरा करियर बन सकता है। तो या ये मेरी छोटी सी मेमोरी थी जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी इस वीडियो से। डोंट वरी, मैं यहाँ पे आपकी अपनी पर्सनल स्टोरी सुनाने नहीं आई हूँ, मैं आप लोगों को तीन चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ बेसिकली क्या है। पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें होना चाहिए, पहले मैं ये क्लियर करने वाली हूँ। सेकेंडली, डमी ड्रेस फॉर्म्स के कितने टाइप होते हैं, एंड थर्ड इज कि इसके क्या यूजेस होते हैं। ऑफकोर्स हम लोग को पता है कि हम लोग को लेना है और इसके टाइप भी हैं, पर इसके यूजेस क्या हैं। बहुत लोग बहुत तरीके से यूज़ करते हैं, बट इसका एक्चुअल प्रैक्टिकली प्रोफेशनल यूज़ क्या है, मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाली। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। एवरीवन, दिस इज अनिल गुप्ता एंड यू वाचिंग माय चैनल। एंड यस, इन लोगों के इंपॉर्टेंट है जो स्टिचिंग करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ये उन लोगों के भी के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो डिज़ाइनर स्टूडेंट है, और वो भी लोग हैं जिनका खुद का एक ब्रांड है या एक फैशन रेंज है। ड्रेस फॉर्म के बारे में बताने से पहले एक छोटा सा कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि ड्रेस फॉर्म एंड मैनीक्विन दोनों बहुत ही अलग हैं। मैनीक्विन इज व्हाट यू वुड सी इन द स्टोर। जहाँ तक आपको पता होगा, अगर आप मार्केट जाते हैं एंड आप ऑब्वियसली सुपरमार्केट, आप कहीं मार्केट जाएंगे तो आप देखे होंगे कि मैनीक्विन एक स्टैचू होती है जहाँ पे कपड़े को ड्रेप एंड डिस्प्ले किया जाता है। बेसिकली वो अपने कलेक्शन को, अपने ड्रेस को डिस्प्ले करने के लिए होता है। उसमें कोई यू नो प्रोपोर्शंस फॉर्म नहीं होते हैं, उसमें कोई खुद के मेजरमेंट नहीं होते जिसके थ्रू हम लोग अपना गारमेंट बना सकते। बस आंसर है कि आप अपने कपड़े को डिस्प्ले करने के लिए मैनीक्विन का यूज़ करते हैं, और ड्रेस फॉर्म का अलग ही रोल होता है। तो उसके बारे में भी तो आपने जान लिया कि मैनीक्विन क्या होता है। ओके, अब बात करते हैं ड्रेस फॉर्म के बारे में कि ड्रेस फॉर्म का क्या यूज़ होता है हम लोगों के लिए, और फैशन इंडस्ट्री में इसका क्या यूज़ है, और फैशन स्टूडेंट के लिए इसका क्या यूज़ होता है। ओके, तो ड्रेस फॉर्म को क्लियर करने से पहले मैं बता दूं कि ड्रेस फॉर्म एक ऐसी चीज़ है, आप इस पे ड्रेप कर सकते हैं, आप इसको टेक्निकली यूज़ कर सकते हैं। एक बार मैं बता दूं आपको, आप अगर कोई गारमेंट बनाना चाहते हैं स्टैंडर्ड साइज में, ठीक है, तो आप किसी बॉडी का, किसी फीमेल या किसी बॉडी का, किसी ह्यूमन बॉडी का मेजरमेंट लेंगे, लेकिन अगर वो आपके पास हमेशा नहीं रहते हैं और उनका आपका गारमेंट बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे। बेसिकली इंडस्ट्री में इसी हिसाब से काम होता है, थ्रू ही काम होता है। बड़े बड़े लार्ज रेंज के जो भी प्रोडक्ट बनते हैं क्लोथिंग, वो सारे ड्रेस फॉर्म के ऊपर बनते हैं। अपैरल इंडस्ट्री में ड्रेस फॉर्म का ही यूज़ किया जाता है। फॉर्म्स के ही थ्रू जितने भी आप साइज देखते हैं, एक्सल, मीडियम, डबल एक्सल, स्मॉल, ये सारे ड्रेस फॉर्म के थ्रू बनते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट टाइप ऑफ ड्रेस फॉर्म। टाइप ऑफ ड्रेस फॉर्म के पहले मैं एक चीज बता दूं कि ड्रेस फॉर्म के भी कैटेगरी होते हैं, ये मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, किड्स के भी होते हैं। तीन तरह की कैटेगरी होती है ड्रेस फॉर्म के। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ ड्रेस फॉर्म की, टाइप कितने टाइप के ड्रेस फॉर्म होते हैं और उनके क्या यूजेस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूं डिस्प्ले ड्रेस फॉर्म। अगर आप मैनीक्विन का यूज करते हैं तो मैंने पहले बता दिया है कि वो एक डिस्प्ले ड्रेस फॉर्म है। ऑब्वियसली अगर आप अपने ड्रेस को शो करना चाहते हैं, उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आपको डिस्प्ले ड्रेस फॉर्म भी मिलता है मार्केट में, वो एक अलग तरीके का टाइप है। तो नेक्स्ट है प्रोफेशनल ड्रेस फॉर्म। प्रोफेशनल ड्रेस फॉर्म जो होता है वो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, वो अपैरल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, वो फैशन स्टूडेंट यूज़ करते हैं, वो जो स्टिचिंग से रिलेटेड जो ड्रेस मेकर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं प्रोफेशनल ड्रेस फॉर्म। तो वो होता है प्रोफेशनल ड्रेस फॉर्म, भी एक टाइप है जो मेनली वही होता है जो ये आप देख रहे हैं पीछे और जो मेरे पास है। एंड इसके भी कलर होते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक मिलते हैं, और भी बहुत कलर है, मोस्टली व्हाइट एंड ब्लैक ही आपको मिलेंगे। अगर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं भी आप देखेंगे तो आपको व्हाइट एंड ब्लैक ही मिलेगा, यहाँ पे यही अवेलेबल था तो मैंने यही। तो नेक्स्ट है बाइफिकेटेड ड्रेस फॉर्म। बाइफिकेटेड ड्रेस फॉर्म का पता थोड़ा सा मतलब है, चीज यही रहता है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि यहाँ पे आपको एक स्टैंड मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे ऊपर से एक स्टैंड मिलेगा, एंड नीचे की तरफ अगर आप नीचे की एरिया देखेंगे, आई विल शो यू की तरफ देखेंगे, तो नीचे की तरफ आपको एक स्टैंड मिलता है। ओके, आपको एक स्टैंड आपको हेल्प करता है, और इसके लेग होते हैं। ओके, इसकी ये जो यहाँ पे इसका जो एब्डोमेन है एंड जो भी आपका हिप पोर्शन है, इसके बीच में क्रॉस के इस यहाँ पे क्रॉच एरिया आएगा, और यहाँ पे आपको लेग देखना। ओके, तो नेक्स्ट ड्रेस फॉर्म होता है एडजस्टेबल ड्रेस फॉर्म। एडजस्टेबल ड्रेस फॉर्म में क्या चेंजेस आते हैं अगर आप प्रोफेशनल ड्रेस फॉर्म खरीदेंगे। यहाँ पे आपको एक
ऐड आपको देखने को मिलेगा। कुछ फीचर्स यहाँ भी होते हैं, कुछ फीचर्स यहाँ भी होते हैं, जहाँ से आप इसको, जैसे कि अगर इसकी साइज आप देखेंगे, इसकी साइज है 34, तो इसकी साइज होती है इंक्रीज डिक्रीज होती है। वेस्ट, अगर इसकी वेस्ट होगी 28 तो ये इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है, ठीक है। शोल्डर्स के भी यहाँ पे फीचर्स ऐड होते हैं, जिनसे आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अपने साइज अकॉर्डिंग। तो वो होता है एडजस्टेबल ड्रेस फॉर्म। जैसे कि ये 10 नंबर का, 10 नंबर का डमी है, अगर आप 12 नंबर का खरीदेंगे तो इसके चेस्ट एंड वेस्ट सब कुछ ऑब्वियसली चेंज हो जाता है, लेकिन अगर एडजस्टेबल ड्रेस फॉर्म खरीदेंगे तो आपको नीड नहीं होती है, आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं इंक्रीज एंड डिक्रीज के थ्रू। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको 3 चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ, कर दूँ कि अगर आपको ये चाहिए तो क्यों चाहिए। इसी बात है, ये हर कोई नहीं खरीदना चाहता है, तो कौन खरीदेगा, ये क्यों चाहिए, ये क्यों ज़रूरी है, अगर आपके लिए ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, कब इसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट आपको क्लियर कर दूँ कि कुछ इनको किनको इनकी ज़रूरत होती है, और ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके हेल्पफुल होने की वीडियो भी आपको आने वाली वीडियो, बट हेल्पफुल वीडियो आज नहीं होगा, आपको सिर्फ इसके बारे में डिटेल बताऊंगी। तो आपकी, आपके लिए ये क्या, आपका क्या इसका यूजेस है, एंड क्या इसका काम, आप क्या करेंगे। इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल ड्रेस मेकर और अ फैशन स्टूडेंट, सो यू डेफिनेटली हैव टू बाय, क्योंकि जो ड्रेस मेकर होते हैं वो ह्यूमंस के स्पेसिफिक साइजेस को, क्योंकि हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होती है, उनकी अलग अलग साइज होती है, लेकिन फैशन इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, एक स्पेसिफिक साइज होती है। जैसे कि आप देखते होंगे एम, एक्सेल, डबल एक्सेल, स्मॉल, ये सारी साइजेस इस पे बनती है, इसके थ्रू होती है, और ये सारी साइजेस हमारे बॉडी के हिसाब से बनती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये जो होता है, वो जो प्रोफेशनल ड्रेस मेकर होते हैं, जो फैशन स्टूडेंट होते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ यू वांटिंग योर ओन फैशन ड्रेस, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू, इट इज यूजफुल फॉर यू। अगर आपका खुद का फैशन रेंज होगा या होने वाला है, या डिसाइड किया या प्लान किया है, तो उसके लिए यूजफुल है। आप एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल साइज के ड्रेसेस बनाएंगे और उसको आप अपने हिसाब से मार्केट में सेल करेंगे, तो ऑब्वियसली ये आपको हेल्प करेगा। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लेंगे कि आपको कौन सा साइज, आप डिसाइड करते हैं कि आपको मीडियम बनाना है, आपको स्मॉल बनाना है, आपको लार्ज बनाना है, वो आपकी चॉइस है। सो एज अ बिगिनर, आप स्टिचिंग करते हो, आप स्विंग करते हो, तो मैं आपको एक चीज बता दूँ, आप इंटरेस्टेड हो, आप एक बिगिनर हो, अगर मैं बोलूँ कि अगर आप बिगनर हो तो क्या आपको ये खरीदना चाहिए, क्या ये आपके लिए ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगी नो। आप सबसे पहले स्टिचिंग कंस्ट्रक्शन अच्छे से जान लो, ठीक है, आपको आता है, आप अच्छे से समझ लो, देन आपको एडवांस लेवल पे सीखना है, इंडस्ट्रियल काम करना है, देन आपको फील होगा कि यस इट विल हेल्प मी, लेट्स गेट परचेस, तो आप इसको ले सकते हो, बिकॉज वो एडवांस लेवल है। ऑब्वियसली ये फैशन स्टूडेंट के लिए है, हर कोई फैशन डिजाइनिंग नहीं करता है, तो अगर वो घर बैठे स्टार्ट करना चाहता है तो उसके लिए बिगनिंग में ये यूजफुल नहीं होगा, मैं आपको क्लियरली बता दूँ। यू आर अ ब्लॉगर एंड यू हैव अ शॉप एंड यू आर ओनर, देन यू हैव टू परचेस, यू नीड टू परचेस, बिकॉज डिस्प्ले योर गारमेंट, डिस्प्ले योर प्रोडक्ट। ऑब्वियसली आपको अपनी, मैंने दो बार रिपीट कर दिया है कि प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए इसका यूज़ होता है, एंड या ये डिस्प्ले के काम में भी आता है। तो अगर आप ब्लॉगर हो या आपके, आपका खुद का शॉप है, आप ओनर हो, तो ऑब्वियसली आपको इसको खरीदना है। इतनी गड़बड़ कर दी मैंने, इतने सारे पॉइंट बता, लेकिन मेन पॉइंट तो मैंने बताया है कि नहीं, क्योंकि आपको ये क्यों खरीदना चाहिए। अगर आपको पैटर्न पसंद है, आपको पैटर्न मेकिंग, आपको पैटर्न कंस्ट्रक्शन पसंद है, और आप ड्रेपिंग पसंद है, आपको ड्रेप करना, ड्रेस ड्रेप, ड्रेपिंग ड्रेस पसंद है, और आपको खुद से बनाना है, आपको ट्राई ड्रेपिंग एंड पैटर्न के थ्रू आप पैटर्न भी बना सकते हो और ड्रेपिंग भी बना सकते हो, कर सकते हैं। आप पैटर्न का भी यूज़ करके अपनी ड्रेस को बना सकते हैं, ड्रेपिंग का यूज़ करके भी आप अपना ड्रेस बना सकते हैं। तो अगर आप इस टाइप के थॉट्स रखते हो, इस टाइप के आपके अंदर इंटरेस्ट है, तो आपको ये ज़रूर लेना चाहिए। एंड अगर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम होने वाला है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, तो मैं हूँ, क्योंकि मैं इस पर वीडियोज़ बनाऊँगी आने वाले टाइम में, और आपके रिक्वेस्ट पर बनाऊँगी, आप जैसा चाहेंगे वैसा बनाऊँगी। तो आप इसको कॉमेंट बता देना कि आप क्या चाहते हो। ओके, मैंने आपको बताया कि आपको ये क्यों खरीदना चाहिए, ठीक है। अब उसमें छिपा था कि इसके यूजेस भी छिपे थे, मैं पहले बता दे रही हूँ, लेकिन अगर मैं इसको, मैंने बोला ना कि आपको 3 टॉपिक को क्लियर करने वाली हूँ, तो अब मैं इसका यूजेस बता रही हूँ कि इसके मेन यूज़ क्या है, जो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है कंस्ट्रक्शन के काम, ड्रेस मेकिंग के टाइम, और फैशन स्टूडेंट के लिए। ओके, तो आप इसके यूजेस भी जान लो। सबसे अच्छा इसका यही है कि आप इस पर ड्रेपिंग कर सकते हो, ड्रेपिंग लाइक नॉट काइंड ऑफ ड्रेपिंग, इट्स लाइक अ प्रोफेशनल ड्रेपिंग, डूड, प्रोफेशनल ड्रेपिंग, यू नो, ड्रेपिंग ड्रेसेस भी आप देखते होंगे तो वो इसी के थ्रू बनता है। ओके,
तो यार सबसे पहला यूज आपका इस पे ड्रेपिंग का। अगर स्टिचिंग करते हो तो आप डायरेक्टली कपड़े पे कट करते हो क्या, आप फैब्रिक पे कट करते हो या फिर आप पैटर्न पेपर पे कट करते हो? तो मैं तो एज अ प्रोफेशनल तो मैं यही बोलूंगी आपको पैटर्न बनाना चाहिए फ्लैट पैटर्न। तो ऑब्वियसली इस पे फ्लैट पैटर्न भी बनते हैं और इसके मेजर के अकॉर्डिंग बनते हैं। फ्लैट पैटर्न इस पे बनने के बाद उसको कपड़े में, उसको गारमेंट में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसके यूजेस है पैटर्न, समटाइम यू डायरेक्टली मेक इट, समटाइम यू यूजेस पेपर। कभी कभी क्या होता है ना कि आप अभी बॉटम वेयर बना रहे हो तो अपर ईयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन आप अगर बॉटम वेयर बना रहे हो समथाइम लहंगा बलून स्कर्ट समथाइम यू नो सिमेट्रिकल बायर स्कर्ट, तो इस टाइप की टाइम में आप अगर बेड पे इसको यूज करोगे किसी यू नो टेबल्स पे तो आपको वो शेप में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आप इसका यूज करेंगे तो आपको हेम बेसिकली हेमिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो भी हेम है, हेम को कट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको सेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा, उसकी लेंथ को देखने में प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, उसको किस तरीके से शेप मिलाना है, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो लास्ट यूज ऑब्वियसली तीन बार बोल दिया, डिस्प्ले योर कलेक्शन। आप इसका यूज कलेक्शन के लिए भी करते हैं। तो इसके मैंने कुल तीन से चार यूजेस बताए हैं और कुछ कुछ यूजेस मैंने आपको उस टाइम ही बताया है कि आपको ये इसको क्यों परचेज करना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ होगा जस्ट गिव मी समथिंग, एंड आपको अगर समझ में नहीं आया होगा तो मैं हूँ आप लोगों के साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, आप मुझे कॉमेंट में बताना कि क्या प्रॉब्लम है। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं उसमें कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैंने कोई लिंक वगैरह इसके लिए डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला है क्योंकि मैंने अपने लोकल मार्केट से इसको खरीदा है, तो मैंने नहीं बोला, मैंने आपको सोचा कि मैं आपको कोई लिंक नहीं सेंड करने वाली हूँ, क्योंकि अगर आपको परचेस करना है तो आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करिए। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी कि आपको कैसे आप ये चीज़ खरीद सकते हैं। अदरवाइज अगर उस वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा हो थैंक यू अगर वीडियो लास्ट तक देखा है, एंड मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आपको कोई आपका खुद का कोई टॉपिक है आप चाहते हो कि मैं बताऊं क्लियर करूं तो प्लीज कमेंट बता देना, मैं आपको टॉपिक को भी क्लियर कर दूंगी। मुझे बहुत गर्मी हो रही है वैसे। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।